हमारे आसपास कई बैक्टीरिया और वायरस मौजूद होने के कारण हम में से किसी के लिए भी विभिन्न बीमारियों के चपेट में आने की संभावना रहती है। लेकिन जीवन के शुरुआती वर्षों में आपके बच्चे की इम्यून सिस्टम कमजोर होती है, जिसका अर्थ है कि कुछ बीमारियां उनके लिए घातक भी हो सकती है। यह हमें इस सवाल पर लाता है कि आप उन्हें उन बीमारियों से बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। इम्यूनाइजेशन यानी कि टीकाकरण, जी हाँ, यह है आपकी सभी चिंताओं का जवाब। इम्यूनाइजेशन का मूल अर्थ प्रोटेक्शन है और अपने बच्चों को उनके जीवन भर के लिए हानिकारक बीमारियों से बचाने का सबसे अच्छा तरीका टीकाकरण है। चलिए पहले ये जान लेते हैं कि वैक्सीन क्या होता है और यह आपके बच्चे के लिए क्यों जरूरी है। वैक्सीन एक प्रकार की दवा है जो आपके इम्यून सिस्टम को ट्रेनिंग देकर काम करती है। यह आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है ताकि यह स्पेसिफिक बीमारी से लड़ सके। किसी भी बीमारी का इलाज करने के बजाय वैक्सीन आपकी बीमारी को रोकने में मदद करते हैं। वैक्सीन सेफ्टी नेट के रूप में कार्य करते हैं और अननोन सोर्स से होने वाली बीमारी के रिस्क को कम करते हैं। बच्चे कई तरह के बीमारियों के चपेट में आ जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी इम्यून सिस्टम इतनी मजबूत नहीं है कि वे खुद से लड़ सके। इसलिए जीवन के प्रारंभिक वर्षों में वैक्सीनेशन आवश्यक है। इस वीडियो में हम आपको उन सभी 16 वैक्सीन के बारे में बताएंगे जिनकी आपके बच्चे को फ्यूचर में हेल्थ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए आवश्यकता होगी। तो चलिए जानते हैं इन 16 वैक्सीन के बारे में।